देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक जिले नासिक में आने वाली पिंपल गांव मार्केट में इस समय प्याज का रेट सबसे ज्यादा है। पिछले एक दो महीने का दाम निकाल कर देखें तो इसका अंदाजा लग ही जाएगा। 18 अक्टूबर को भी यहां प्याज का न्यूनतम और अधिकतम दाम सबसे ऊंचा रहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले के अनुसार इस मंडी के आसपास के क्षेत्रों में महाराष्ट्र के सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याज पैदा होता है। इस क्षेत्र का वातावरण और मिट्टी कुछ ऐसी ही है। दाम ज्यादा होने के पीछे ऐसा नहीं है कि यहाँ आवक कम हो, आवक अच्छी रहती है लेकिन दाम तब भी ऊंचा ही रहता है। अच्छी गुणवत्ता का प्याज खरीद कर लोग प्याज का बीज तैयार करने के काम में लाते हैं। भारत दिगोले ने बताया है कि नासिक के पिंपल गांव बसवंत मार्केट में चांदवड़, देवला, कलवण, बागलाण, पेट एवं सुरगाना आदि क्षेत्रों से सबसे अच्छा प्याज नीलामी के लिए आता है। अच्छा होगा तो दाम ऊंचा होगा ही। क्वालिटी के अच्छा होने की वजह से इस प्याज को काफी लोग बीज तैयार करने के लिए ले जाते हैं। बीज की कीमत 2000 से 5000 रुपए किलो तक होती है। इसी महीने 2 अक्टूबर को एशिया के सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज का न्यूनतम दाम 1000, मॉडल प्राइस 2970 और अधिकतम 3101 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि इसी दिन पिंपल गांव मंडी में न्यूनतम रेट 1500 रुपए, मॉडल प्राइस 2850 और अधिकतम दाम 3753 रुपए क्विंटल रहा। 18 अक्टूबर की बात करें तो लासलगांव मंडी में प्याज का न्यूनतम दाम 900, मॉडल प्राइस 3100 और अधिकतम दाम 3639 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिंपल गांव में न्यूनतम दाम 1700, मॉडल प्राइस 3351 एवं अधिकतम दाम 4001 रुपए रहा। देश के कुल प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी लगभग 40% ही है। महाराष्ट्र नासिक, शोलापुर, पुणे, अहमदनगर और धुले जिलों में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। नासिक के ही लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।